भी वेदांतु, मैं हूं संजय आर्या आपका केमिस्ट्री विजर्ड। और बच्चों आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं एक बहुत ही अमेजिंग से सेशन लेके आया हूं जिसका नाम है स्मार्टेस्ट वे टू डील विद दी केमिस्ट्री प्रॉब्लम्स ऑफ नीट। तो प्यारे बच्चों स्पेशली जो हमारे पास में नीट के केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री के जो आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं थोड़े टफ होते हैं या फिर समटाइम्स हमारे पास में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे मैच द कॉलम काइंड ऑफ, जिनमें हम लोग काफी सारा टाइम कंज्यूम कर देते हैं सारे ऑप्शंस को मैच करते हुए, तो उन तरह की प्रॉब्लम से कैसे स्मार्टली डील करें। तो बच्चों आपको केमिस्ट्री के स्मार्टेस्ट सर सिखाएंगे, दैट इज मी संजय आर्या। जल्दी से चलिए 5 मिनट में आप सीख जाएंगे कि व्हाट कुड बी द थिंग्स जो आपको हमेशा दिमाग में रखनी है। यहां पे सबसे पहले मैं आपके सामने वो टेक्निक्स लेके आया हूं। हां जी, तो बच्चों ये टेक्निक जो है ये 4 चीजें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज ये कि जो बेसिक्स जो है ना वो आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जैसे एटॉमिक सिंबल क्या है, एटॉमिक मास क्या है। तो आपको वहां पे बैठ के कैलकुलेट नहीं करना कि कैल्शियम कार्बन का मास कितना है, मुझे पता है 100 या फिर यूरिया का मास 60 है या फिर ग्लूकोज का मास 180 है, ये मेरे दिमाग में छप जाना चाहिए। तो इससे क्या होता है, ईज हो जाती है, हम लोग फास्ट कर पाते हैं, स्मार्टली कर पाते हैं। नंबर टू क्या है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होते हैं ना वो सारे आपको पता होना चाहिए। समटाइम ऐसा होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूलास के बेसिस के ऊपर ना हम लोग बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड आपके जो मैकेनिज्म्स होते हैं उसको भी आप डिराइव कर लेते हैं, है ना, अगर आपको फॉर्मूला पता होता है। तो फॉर्मूला के अंदर अगर मान लीजिए 2 कार्बन लगे हैं, 4 कार्बन लगे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आप ना स्टोइकियोमेट्री सेट कर देते हैं, तो लाइक दैट आपको पता होना चाहिए। नंबर तीन क्या है कि सॉल्व कीजिए क्वेश्चंस को पार्शियली। इसका मीनिंग है कि आपको कोई अल्टीमेटली आंसर नहीं निकाल के देना, क्योंकि आपने कोई यहाँ पे कोई ऐसा तो नहीं बोर्ड्स के एग्जाम के आप क्वेश्चन लिख रहे हो कि पूरे फायर और फाइल लेके आने आपको। तो आप लोग जो है सीक्वेंस जो है यहाँ पे जो स्टेप्स उनको स्किप कर सकते हैं एंड डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं ऑप्शन से मैच करके ऑप्शन को टिक कीजिए ना। नंबर जो थ्री जो चीज है वो है कि वंस यू गेट द करेक्ट ऑप्शन देन जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर एक बार आपका कोई ऑप्शन करेक्ट आ गया है, मान लीजिए कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट आ रहा है या ए ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, तो फिर सी एंड डी को देख के समय खराब ना करें बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपका काफी टाइम बचा सकता है। नंबर फोर क्या है कि डोंट पुश ऑन व्हाट यू डोंट नो, जस्ट फोकस ऑन और व्हाट यू नो। तो बच्चों जितना आपको आता है ना उसी को यूटिलाइज करके आंसर निकालिए, जो आपको नहीं आता उसमें समय खराब नहीं करना। अब देखो मैं चारों पॉइंट को क्लब करके कैसे आपको एकदम स्मार्टेस्ट तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं, वो भी नीट के पीवाईक्यूज। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन विच इज अपीयर इन नीट 2021 का एक क्वेश्चन है। पढ़िए बच्चों क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। फॉलोइंग सॉल्यूशंस वर प्रिपेयर्ड डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। चलिए इनको अंडरलाइन करते चलते, 10 ग्राम ग्लूकोज है, 250 ml वॉटर है, अच्छा जी बहुत अच्छी बात है। देन वी हैव 10 ग्राम ऑफ यूरिया और उसमें भी क्या है वॉटर दिया हुआ है 250 ml। देन 10 ग्राम ऑफ सुक्रोस है और 250 ml ये वॉटर दिया हुआ है। व्हाट विल बी द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। वैसे तो क्वेश्चन आसान ही है और इसको अगर आप करने बैठेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, लेकिन माय सजेशन इज कि आप लोग ये चेक कीजिए कि कैसे पार्शियली सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। देखिए यार आपको पता है कि पाई जो होता था वो क्या होता था, ICRT। आई यहां पे वेंटो फैक्टर है और बच्चों सारे के सारे जो आपके सामने सॉल्यूट दिए हुए ना ये सारे के सारे क्या होते हैं, डिसोशिएट नहीं होंगे वॉटर में जाके, ना ही एसोशिएट होते हैं। तो वी कैन से कि आई इनका हमेशा क्या रहने वाला है, 1 रहने वाला है। इस तरह के सब्सटेंसेस को हम लोग बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इन नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये तो कॉन्स्टेंट हो गया, आर एंड टी कॉन्स्टेंट है, तो एक ही पैरामीटर जो वेरी कर सकता है दैट इज सी कॉन्सेंट्रेशन। अब मुझे बताइए कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। बच्चों एन यहां पे नंबर ऑफ मोल्स है, वी यहां पे वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका सेम है बिकॉज आपको पता है कि 250 ml दिया हुआ है, तो इसको भी हटा दीजिए। डायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट है आपका पाई, नंबर ऑफ मोल्स पे। नंबर ऑफ मोल क्या होता है, नंबर ऑफ मोल होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो यानी आपके पास में डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूट आता था अपॉन एम ऑफ सॉल्यूट आता था। बच्चों ये भी आपको पता है कि यार डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूट सबके सेम है, 10 ग्राम ही आपके पास में ग्लूकोज है, 10 ग्राम आपके पास में यूरिया है, 10 ग्राम आपके पास में सुक्रोज है। तो फाइनली आपके पास में एक ही टर्म आ गई, वो ये आ गई कि पाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। देखो मैंने सारी चीजें करनी नहीं है, मैंने एक फाइनली इसके अंदर जो समरी थी वो निकाल के रख दी यहां पे। अब क्या करेंगे, सबके मास बताइए कितने कितने। सबसे पहला क्या था, यूरिया, तो बच्चों अच्छा ग्लूकोज, तो बच्चों ग्लूकोज का जो मोलर मास होता है वो होता है 180 U या 180 ग्राम पर मोल। अगर मैं बात करूं किसके लिए, यूरिया के लिए, तो मोलर मास ऑफ यूरिया कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे सर जी 60 ग्राम पर मोल, ये लिखने की जरूरत नहीं होना, इससे टाइम वेस्ट होगा ये नॉबली। और मोलर मास अगर बात करें किसकी, सुक्रोज की, तो बच्चों प्लीज आप इसको कैलकुलेट कर लेना, आई गेस 342 या ऐसा कुछ आता है, तो मैं मान के चलता हूं लेट से 340 है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है 340 है। मतलब मुझे तो माइंड में रिमेंबर है, बट अनडाउटली ये इन दोनों से ज्यादा है।
तो आप क्या फाइंड आउट करेंगे, आप ये देखेंगे कि यार इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, दैट मींस ये वैल्यू जो थी आपकी सबसे पहले के ग्लूकोज के लिए कितना गिवन था, ग्लूकोज के लिए आपको P1 गिवन है, यहाँ पे P2 गिवन है, यहाँ पे P3 गिवन है, बताइए क्या इसमें आएगा, सबसे ज्यादा किसका आ जाएगा जिसमें सबसे कम आपके पास है मोलर मास, यानी P2 हाईएस्ट आएगा, फॉलोड बाय सबसे ज्यादा किसका है सुक्रोज का, यानी सबसे कम हो जाएगा यानी P3 एंड देन आ जाएगा P1। देखो P2 P1 P3 ये वाला जो आपके पास सीक्वेंस है कहां पे गिवन है, ये सीक्वेंस आपको ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। अब कुछ नहीं दिमाग लगाना, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाइए, दिस इज द वे टू क्रैक द नीट क्वेश्चंस, वो भी फास्टेस्ट एंड स्मार्टेस्ट तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख के देखते हैं। नीट 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसी साल आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे। देखिए मैं क्या करता हूं अपने तरीके से, मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, रेड पेन लेते ताकि ब्लैक एंड व्हाइट दोनों पे वर्क कर ले। ये स्मार्टेस्ट नहीं था लेकिन तरीका, ये तो मेरा अपना तरीका है, हो भी सकता है। देखो यार सबसे पहले क्या कि मैंने कोक डायमंड फुल रिंग ग्रेफाइट, ऑप्शन सारे देख लो एक बार, क्या ऑप्शन में ए में ऐसा ऐसा दिया, देखो सब में अलग अलग ही दिया हुआ है, दो में सेम दिया हुआ है, बाकी में अलग अलग दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे, ए के लिए चेक कीजिए, ए आपके पास में कोक है, मान लीजिए ये नहीं पता तो फिर आप सेकंड पे स्विच कर लीजिए, थर्ड पे स्विच कर लीजिए, लेकिन जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करते चलिए। जिसके बारे में आपको पता है पहले उसको सॉल्व कर लीजिए कि यार कोक जो होता है उसका काम क्या होता है। देखिए यार कोक जो होता है ना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, काफी सारे मेटलर्जिकल प्रोसेस में यूज किया जाता है, कोक भी यूज किया जाता है, दैट इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, एंड कार्बन मोनोक्साइड CO को भी अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं। बच्चों यहां पे देखो कि कार्बन किसको रिड्यूस करेगा, यानी ये रिड्यूसिंग वाले एजेंट बात रही है थर्ड, तो ए का आंसर आ गया 3। जब ए का आंसर 3 आ गया तो बाकी के ऑप्शन क्या कर रहे हैं, जो ए का आंसर 4 दिया है वो भी कट गया, जो ए का आंसर 2 दिया है वो भी कट गया, यानी आंसर 2 या 3 में से एक में से आएगा। अब नेक्स्ट ऐसा ऑप्शन पिक करो यार जिसके अंदर कुछ डिस्क्रिमिनेशन दिया हो, कुछ डिफरेंस दिया हो। ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 के अंदर क्या दिखाई दे रहा है कि बी भी डिफरेंट है, सी भी डिफरेंट है, तो बच्चों क्या डी नहीं पिक कर लेना। अगर मान लो आपने डी सॉल्व किया तो दोनों में ही सेम है तो आपको फाइनली कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाएंगे, तो दैट इज किलिंग आवर टाइम। और ये क्लास क्या है, स्मार्टेस्ट वे, तो बच्चों स्मार्ट बनो, डायरेक्टली क्या जाएंगे सेकंड वाले ऑप्शन पे जाएंगे। सेकंड क्या दिया हुआ है, सेकंड इज डायमंड। डायमंड की स्ट्रक्चर क्या होती है, डायमंड में एक कार्बन 4 कार्बन से कनेक्टेड होता है, sp3 हाइब्रिडाइज होता है, और देखिए कौन सा ऑप्शन के लिए सही दिया हुआ है, दैट इज योर नन अदर देन ऑप्शन नंबर 1। तो बी का आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 1 आंसर आ जाएगा। चलिए चेक करते हैं कि ए का आंसर क्या आएगा आपका 3, बी का आंसर आ रहा है 1। ए का आंसर 3, बी का आंसर 1, सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया हुआ है आपका नंबर 2, और ये भी नहीं दिया हुआ। तो बच्चों देखिए बिना सारे ऑप्शंस को गो थ्रू किए आपको यहां पे आंसर मिल गया, दैट इज द पॉइंट कि पार्शियली सॉल्व कीजिए। बोलो मजा आया कि नहीं, था ना इंटरेस्टिंग। चलिए एक क्वेश्चन और करवाता हूं आपको, वो भी नीट के PYQ का। चलिए बच्चों 2015 में पूछा हुआ ये सवाल, आज से ऑलमोस्ट 7-8 साल पहले पूछा गया है। पूछा गया था कि व्हेन इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 0.1 मोलार NaOH एंड 0.01 मोलार HCl मिक्स, देन pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी व्हाट। अब देखो pH निकालने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, ये तो फॉर श्योर है, क्योंकि आप लोग क्या करेंगे यहां पे, आपको ऐसा करना पड़ेगा कि H+ ion की कंसेंट्रेशन लिखेंगे। कितनी आ रही है HCl से, कितनी आएगी, आप बोलेंगे सर जी 0.01 मोलार आएगी। OH- की कंसेंट्रेशन कितनी आएगी, तो जितना NaOH है उतना ही आ जाएगा, दैट इज 0.1 मोलार। जब आप इन दोनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें अल्टीमेटली मिलेगा कि यार वॉल्यूम्स के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी पहले 0.01 V आपका H+ है और उसे माइनस कर देंगे, प्लस किसमें से 0.1 V में से माइनस कर देंगे, फाइनली बचा आपका 0.09 V। ये नंबर ऑफ मोल्स किसके बचे हुए बच्चों, OH- के, और इससे आप क्या निकाल देंगे डिवाइडेड बाय 2V करके, तो फाइनली आपकी जो मोलैरिटी आ जाएगी OH- की वो कितनी आ जाएगी 0.09 V डिवाइडेड बाय 2V। V से V कैंसिल होगा क्योंकि आप सम कर देंगे ना वॉल्यूम्स का, तो आपको आएगा 0.045, और इसका आपको क्या निकालना पड़ेगा नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ OH-, तो आपको देगा POH, और pH क्या बन जाएगा 14-POH। मुझे लग रहा है कि इसको करते करते 10 मिनट खर्च हो जाएंगे, पता चला आपने जो आते थे वो क्वेश्चन में नहीं कर पाए। तो मेरा तरीका क्या है, स्मार्टेस्ट वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज, अब एक बार रीस्टार्ट लेते हैं, रिफ्रेशिंग स्टार्ट लेते हैं, और जस्ट मानते हैं कि जीरो से समय शुरू हुआ है। मैं इस क्वेश्चन पे आया, मैंने देखा 2015 का एक क्वेश्चन है, व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलार NaOH इन 0.01 मोलार HCl मिक्स। बच्चों देखो ये 0.1 मोलार, ये 0.01 मोलार HCl, तो जब ये दोनों मिक्स होंगे, तो ज्यादा कौन है, ज्यादा आपके पास में NaOH दिया हुआ है, तो डोमिनेटिंग क्या रहेगा,
डोमिनेटिंग क्या रहेगा बच्चों, OH माइनस की कंसेंट्रेशन डोमिनेटिंग रहेगी, यानी ये सॉल्यूशन क्या रहेगा बेसिक, और बेसिक सॉल्यूशन की पीएच क्या होती थी ग्रेटर देन 7। जरा चेक कर लें इनमें से ग्रेटर देन 7 का आंसर कौन सा है, सिर्फ एक ऑप्शन है, दैट इज 12.65 ऑप्शन नंबर 1, पिक करो और एंजॉय करो बच्चों। ऐसे ही अमेजिंग इंटरेस्टिंग एंड शानदार टेक्निक्स के लिए बने रहो ओनली ऑन बायोटेक्निक वेदांतु विद मी योर केमिस्ट्री विजर्ड संजय आर्या, और ऐसे ही कुछ जो आपको टेक्निक जानने हैं उनको मुझे कमेंट करके बता दीजिए, ताकि नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट सेशन में मैं आप लोगों को ऐसे अमेजिंग टेक्निक रिवील करते रहूं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।